छक्के पे छक्का लगेगा। बाकी इंशाल्लाह 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 पाकिस्तान मैच जीतेगा। हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, स्टेडियम फुल भरा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एक्ट्रेस मेघा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी मेघा, बताइएगा मैच के बारे में क्या कहेंगी? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन माने समझ कुछ नहीं आ रही, इतनी एक्साइटमेंट है और हर बंदा यहाँ पे खुशी से निहाल भी है और दुआएं भी कर रहा है अल्लाह पाक के यहाँ के पाकिस्तान मैच जीते और जितनी तरह कामयाबियों का तसलसल पाकिस्तान के नाम रहा है, ये मैच भी वो जीते और सेमीफाइनल से फाइनल में जाए। इससे पहले सारे मैच पाकिस्तान जीता है, तो आपके ख्याल में ये भी जीत जाएगा? ख्याल क्या, आई एम 100% श्योर। पूरे हमारी 12 की टीम होती है और अपने हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर करके गए हैं। रिजवान ने बहुत अच्छा किया है और माशाल्लाह बहुत हमारे खिलाड़ी अभी आ रहे हैं। और आपने देखा नहीं कि जब बाबर ने हिंदुस्तान फतह किया तब तो बाबर आउट नहीं हुए, उसके बाद जब शुएब ने फास्टेस्ट 50 की तो भी रिकॉर्ड बना। सो हर मैच में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और हर प्लेयर परफॉर्म करता है और इंशाल्लाह आज की टीम हमारी जो है वो मुतहद होकर खेल रही है और आज का मैच भी उनके नाम ही होगा। आपको लगता है कि वर्ल्ड कप हम जीत के आएंगे पाकिस्तान? हम हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक कौम रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं और जीत ही पाकिस्तान का मुकद्दर है और स्पोर्ट्स लवर कंट्री है हमारी और यहाँ पर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह बाबर ने हिंदुस्तान फतह किया उसी तरह वो कैंगरूज को मात देंगे और न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी देकर घर पहुँचाएंगे। अच्छा, अच्छा मेघा, आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं और हमने सुना है कि आपने कोई नया सॉन्ग भी तैयार किया है, तो वो इस मौके पर सुनाना चाहेंगी? जी, क्रिकेट के हवाले से माशाल्लाह मेरा सॉन्ग आ चुका है, उसके दो बोल मैं आपको सुनाती हूँ। आज क्रिकेट का मेला सजेगा, ओ आज छक्के पे छक्का लगेगा, सीटी बजेगी खेल जमेगा, लंगड़े डाल के सुर और ताल से खुशियों से देश मेरा हंसेगा। वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप का मेला सजेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आपने मेघा की गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, बहुत खुश हैं सब लोग। अगर आप हमारी आवाम की तरफ देख सकें तो आवाम सारी भरी हुई है स्टेडियम में। इस वक्त लोग यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे मैच देखने के लिए आए हैं और स्टेडियम में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है और खुश हुआ जा रहा है। आइए आपके और लोगों से भी बात करवाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मॉडल है और अदाकारा मायरा मेहर हमारे साथ मौजूद हैं। मायरा से पूछते हैं कि मैच इस वक्त फंसा हुआ है, पाकिस्तान जो है वो आउट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। जी मायरा, क्या कहेंगी, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी जा रही है, बस आगे भी जाएगी। बाकी इंशाल्लाह 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 पाकिस्तान मैच जीतेगा, पूरी उम्मीद है क्योंकि आखिरी बॉल तक नहीं पता होता कौन सी टीम ने जीतना है। अभी तो बहुत बॉल्स पड़ी हुई है, अभी बॉल्स पड़ी हैं, तो आपके ख्याल में कौन सा बॉलर काम आएगा आज हमारे? हमारे सारे बहुत अच्छे हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा, पता भी नहीं चलता, जिसका बस दिमाग फिरता है ना बस फिर जाता है। आपका कहने का मतलब है कि ये मैच हम जीत जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे, इंशाल्लाह जैसे हम पहले 5 मैच जीते ये भी जीतेंगे। अच्छा मेरे ये बताएं, आपको प्लेयर कौन सा पसंद है इन सब में? शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी पसंद है, तो शाहीन अफरीदी तो बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहा। कोई नहीं, फिर भी पसंद है, पसंद में ये थोड़ी होता है कि अब उसकी बॉलिंग बैटिंग देखो, मुझे ओवरऑल पसंद है। और आवाम कितने ज्यादा रश देख के क्या कहेंगी आपके, पाकिस्तानी बहुत एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी इस वक्त एक्साइटेड है, हम पहले 5 मैचेस जीते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेडियम के अंदर इतना एक्सपेक्टेड रश नहीं था जितना हो गया है और ये सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह वैसे लग रहा है जैसे यहाँ भी मैच हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि दुबई में नहीं यहाँ पे लाहौर के अंदर मैच हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जरूर जीतेगा, जरूर 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 इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू मायरा, बहुत शुक्रिया आपका। जी नायर, आपने मायरा की गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तानियों का जो जज्बा है वो इस वक्त बहुत पुरअज़म है सारे कि पाकिस्तान मैच जीतेगा और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मॉडल अदाकारा नेहा मौजूद हैं और इस वक्त पाकिस्तान ने एक और विकेट ले ली है जिसकी वजह से स्टेडियम में शोर मचाया जा रहा है। वैसे ही मॉडल नेहा को आप देख सकते हैं। नेहा क्या कहना चाहेंगी? वो
पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। सही बात है, जीत जाएगा। आप देखिए ना, लोगों को चेक करें जरा कैसे। लोग तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। किस प्लेयर से उम्मीदें हैं पाकिस्तानी, कौन से प्लेयर से उम्मीदें हैं आपको? बाबर आजम से। बाबर आजम से? लेकिन बाबर आजम तो आउट हो गया और उसने स्कोर भी हो गया, लेकिन पहले वाले मैच उन्होंने ही जिताए हैं और उसके बाद अभी शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीद है कि जिता के जाएंगे पाकिस्तान। आपका कहने का मतलब है जब से बाबर आजम कप्तान बने तब से हम मैच जीत रहे हैं? हाँ जी। वर्ल्ड कप जीत सकेंगे हम लोग, आपका क्या कहना है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत के आएगा। थैंक यू नेहा जी। बिल्कुल, नेहा का कहना है कि बाबर आजम एक ऐसा कप्तान है जिसकी कप्तानी में हम लोग 4 से 5 मैच जीत चुके हैं और ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी हम लोग जीत जाएंगे।